नाम के एक युवा के मर्डर ने फनफनी फैला दी है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी अब तक काफी वायरल हो चुका है। इस मर्डर ने हत्या की वजह पर दो सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में वजह कुछ और सामने आ रही है, तो घर वाले हत्या की कुछ और वजह बता रहे हैं। तो आखिर क्यों रिंकू शर्मा का मर्डर चर्चा का विषय बन चुका है, इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो बेहतर तरह से समझ पाएंगे। क्या जय श्री राम के नारे ने ले ली दिल्ली में रिंकू शर्मा की जान? जय श्री राम के चक्कर में इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। या फिर आपसे विवाद है रिंकू की हत्या की वजह? एक बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हुआ। ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या? ये तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं। रिंकू शर्मा मर्डर केस में दो तरह की थ्योरी सामने आ रही है। रिंकू शर्मा के घर वालों का कहना है कि उसकी हत्या जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से हुई, जबकि पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह आपसी विवाद है। पुलिस ने इस मामले में इस्लाम, जाहिद, दानिश, ताजुद्दीन और मेहताब नाम के पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की है। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात को रिंकू शर्मा को सभी आरोपियों से तीखी बहस हुई। बाद में ये लोग अपने दर्जनों साथियों के साथ रिंकू शर्मा के घर पहुंचे। पहले लाठी डंडों और रॉड से उसकी पिटाई की, बाद में चाकू घोंप दिया, जिससे रिंकू शर्मा की मौत हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों से भी इस बात की तस्दीक हो रही है कि रिंकू शर्मा के घर में घुसकर भीड़ ने हमला कर दिया। बेटे की मौत से रिंकू की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार कह रही हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। जय श्री राम के चक्कर में इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। वो हमारी गली में ही रहते हैं सर, तो उसको पीछे से पकड़ लिया, मारा उसको। तो वो थे 30-40 जने सर, आधे इधर से आया आधे इधर से आया, तो हमारे घर में डंडे डंडे बजाए, बहुत मारा मेरे बच्चे को। और खूब इतने डंडे थे, चक्कू थे, हथौड़ियाँ थी, क्या क्या थी सर, बहुत सारे चीजें थी उनके हाथ में, हाथों में पता नहीं क्या क्या पहनते हैं सर, सब कुछ था उनके पास। सारे यहीं पे मारने लगे सर उसको, वो भागा भागा वहां तक भागा, सारे उसके पीछे डंडे डंडे, पीछे से जाके उसकी कमर पे चक्कू उसेड़ दिया सर उसको, बहुत मारा लड़के को मेरे। रिंकू शर्मा के भाई का कहना है कि जब से उन्होंने राम मंदिर के लिए रैली निकाली थी, तभी से आरोपी और उसके परिवार उनसे चिढ़ने लगे थे। रिंकू के भाई का ये भी आरोप है कि रिंकू शर्मा को चाकू मारने के बाद जब परिवार वाले उसे लेकर हॉस्पिटल गए, तो वहां भी उसके साथ मारपीट की गई। बाद में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे, ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा, लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी पांचों की, इन्होंने सबने मिल के मारा मेरे भाई को। झगड़ा हम पहले हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पर तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले, तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से, तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया। झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी वार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। जिस रैली का जिक्र रिंकू शर्मा का भाई कर रहा है, वो रैली 5 अगस्त 2020 को निकाली गई थी। 5 अगस्त यानी वो तारीख जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, उस दिन रिंकू शर्मा समेत कई लोगों ने मंगोलपुरी में रैली निकाली थी और जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। इस वीडियो में भी रिंकू शर्मा जय श्री राम का नारा लगाते दिखाई दे रहा है, साथ ही उसने राम नामी